हाँ तो अब देखिए, आज से आप लोगों के लिए एक नया लेसन स्टार्ट होगा और लेसन का नाम है व्हाट इज कल्चर। ये आपकी टेक्स्ट बुक का लेसन नंबर 8 है और इसके लिए अगर आप लोग पेज नंबर 64 पर आएंगे टेक्स्ट बुक में तो वहाँ ये आपको मिलेगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा लिखा गया है। इसके स्टार्टिंग में थोड़ा सा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में बताया गया है, तो पहले उसे जान लीजिए, फिर कल्चर को लेकर के आपको दिमाग में कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। तो यहाँ जो कल्चर वर्ड है इसको उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है, बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। सबसे पहले देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिनके बारे में लिखा है 1889 टू 1964, यानी 1889 में इनका जन्म हुआ और 1964 में इनकी डेथ हुई। अगर इनके जन्म की बात करें तो वॉज बॉर्न इन अ रिनाउंड फैमिली एट इलाहाबाद। इनका जो जन्म इलाहाबाद के एक विख्यात परिवार में हुआ। हिज फादर वॉज मोतीलाल नेहरू वॉज अ नोटेड लॉयर, और इनके पिता भी नोटेड लॉयर, एक विख्यात वकील रहे। हिज मदर स्वरूप रानी वॉज अ कल्चर्ड नोबल एंड गॉड फियरिंग लेडी, और इनकी जो माँ स्वरूप रानी थी, कल्चर्ड सुसंस्कृत नोबल उत्तम एंड गॉड फियरिंग लेडी और धार्मिक महिला थी। एट द एज ऑफ 15 ही वॉज सेंट टू इंग्लैंड फॉर फर्दर एजुकेशन। एट द एज ऑफ 15, 15 साल की उम्र में ही वॉज सेंट, इनको भेजा गया टू इंग्लैंड, इंग्लैंड के लिए फॉर फर्दर एजुकेशन, अपनी आगे की पढ़ाई के लिए। ही स्टडीड एट हैरो फॉर 2 ईयर्स, और वहाँ इन्होंने हैरो स्कूल में 2 साल पढ़ाई करी। एंड इन 1907 ही मूव्ड टू ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज, और कैम्ब्रिज का जो ट्रिनिटी कॉलेज है 1907 में ये वहाँ गए। ही रीड सच ऑथर्स एज डिकिंस, अब अपनी पढ़ाई के दौरान इन्होंने बहुत सारे लेखकों को भी पढ़ा, जैसे कि डिकिंस को पढ़ा, किपलिंग को पढ़ा, मार्क ट्वेन को पढ़ा, एच जी वेल्स एंड अदर्स। तो इतने सारे लोगों को पढ़ने के बाद इन्होंने एक अपना अलग विचार, एक अपना जो दृष्टिकोण है दुनिया को लेकर के वो बनाया, और जिसको बाद में इन किताबों के माध्यम से व्यक्त भी किया। ही एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन इंडिया से स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, एक्टिवली पार्टिसिपेटेड, उन्होंने सक्रिय रूप से हिस्सा भी लिया इन इंडिया स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, भारत का जो स्वतंत्रता संघर्ष था उसमें भी इन्होंने सक्रिय रूप से हिस्सा लिया। आफ्टर इंडिपेंडेंस ही बिकेम इंडियाज़ फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, जैसा कि ये सबको पता है कि स्वतंत्रता के बाद इन्हें ही भारत का प्रथम प्रधानमंत्री बनाया गया। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया एंड द ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री आर नेहरूज परमानेंट कंट्रीब्यूशन टू द लिटरेचर ऑफ द वर्ल्ड। तो द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, मेरे ख्याल से इस बुक का नाम भी आप जानते होंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा लिखी गई थी, और जो दूसरी है वो है द ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। तो ये जो दोनों किताबें हैं आर नेहरूज परमानेंट कंट्रीब्यूशन, तो ये परमानेंट कंट्रीब्यूशन माना जाता है टू द लिटरेचर ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड के साहित्य में नेहरू जी के द्वारा दिया गया एक योगदान। हिज हिस्टोरिकल राइटिंग इज प्रेज्ड फॉर इट्स विविडनेस, और उनका जो हिस्टोरिकल राइटिंग था, उनका जो ऐतिहासिक लेखन था, इज प्रेस्ड, उनकी उसकी प्रशंसा की जाती है फॉर इट्स विविडनेस, उसकी जीवंतता के लिए, एंड स्किलफुलनेस, यानी उसमें एक जीवंतता दिखाई देती है इनकी जो राइटिंग है उसमें, और इसकी राइटिंग में एक निपुणता दिखाई देती है। वाइल राइटिंग हिज व्यूज ही इज नेवर विगोटेड एंड नैरो, जब भी वो लिखते थे उनके जो विचार थे वो कभी भी विगोटेड नहीं हुए, धर्मांध नहीं हुए, एंड नैरो, और कभी भी उनके विचार संकीर्ण नहीं हुए। इन दिस ऐसे, अब ये जो आपके लिए है व्हाट इज कल्चर, ये एक ऐसे है, तो इन दिस ऐसे, इस ऐसे में पंडित नेहरू इज ट्राइंग टू प्रूव इन टू द रियल मीनिंग ऑफ कल्चर, के जो कल्चर वर्ड का रियल मीनिंग है, जो वास्तविक अर्थ है, पंडित नेहरू इज ट्राइंग टू प्रूव, कि पंडित नेहरू ने प्रयास किया है तहकीकात करने का, प्रोब मतलब तहकीकात करना, जांचने का, द रियल मीनिंग ऑफ कल्चर, के कल्चर शब्द के वास्तविक अर्थ में अंदर घुसने का उन्होंने प्रयास किया है। ही एडमिट्स, वो मानते हैं दैट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिफाइन द वर्ड कल्चर,
क्या ये बहुत कठिन है टू डिफाइन, परिभाषित करना द वर्ड, इस शब्द को, कौन से शब्द को, कल्चर को। ऑल दो, हालांकि ईच नेशन एंड ईच सिविलाइजेशन डेवलप्स इट्स ओन कल्चर। ये बात मेरे ख्याल से हर व्यक्ति को ठीक तरीके से पता है कि ईच नेशन, कोई भी राष्ट्र हो, एंड ईच सिविलाइजेशन या कोई भी सभ्यता हो, डेवलप्स इट्स ओन कल्चर, वो अपनी खुद की कल्चर को डेवलप करता है। राष्ट्र जो होता है उसका भी एक अलग कल्चर होता है, कोई सभ्यता भी अगर होती है तो उसका भी एक अलग कल्चर होता है। जैसे अगर आप सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ते हैं, आप हड़प्पा सभ्यता को पढ़ते हैं, आप मेसोपोटामिया की सभ्यता को पढ़ते हैं, इट्स ओन कल्चर। तो इट इज़ इम्पॉसिबल टू फाइंड अ कल्चर दैट इज प्योर एंड अनअफेक्टेड। ये बहुत अच्छी बात लिखी है। तो इट इज इम्पॉसिबल, ये असंभव है टू फाइंड अ कल्चर, कि किसी भी एक ऐसे कल्चर को प्राप्त करना, ऐसे कल्चर को जानना, दैट इज प्योर एंड अनअफेक्टेड, जो कि अपने आप में प्योर हो, जिसमें कोई त्रुटि नहीं हो, जिसमें कोई गलती नहीं हो, जिसमें कोई डार्क स्पॉट नहीं हो। अगर किसी व्यक्ति के अंदर कुछ अच्छे गुण हैं तो उसके अंदर जरूर कुछ न कुछ गलतियां भी होंगी, उसके अंदर कुछ न कुछ गलत प्रभाव भी उसके होंगे। कोई भी देश है, अगर उसके कुछ अच्छी बातें हैं तो उस देश के पास कुछ न कुछ ऐसा होगा हिस्ट्री में जो वर्णन करने लायक नहीं होता। ठीक इसी तरीके से एक जो संस्कृति होती है, वो संस्कृति अपनी अच्छी बातें भी लिए हुए रहती है और कहीं ना कहीं उसके डार्क स्पॉट भी होते हैं। तो वो इन्होंने यहाँ बताने की कोशिश करी है कि इट इज़ इम्पॉसिबल, कि ये तो असंभव है टू फाइंड अ कल्चर दैट इज प्योर एंड अनअफेक्टेड, कि जो कल्चर किसी से प्रभावित नहीं हुआ, जिस पर किसी दूसरी संस्कृति का प्रभाव नहीं पड़ा, ऐसा मुश्किल है। और जो ये कह सके कि नहीं, वो कल्चर बिल्कुल प्योर है, उसमें कोई त्रुटि नहीं। अकॉर्डिंग टू पंडित नेहरू, द कल्चर ऑफ अ कंट्री इज इन्फ्लुएंस्ड बाई इट्स जियोग्राफी एंड क्लाइमेट। अगर पंडित नेहरू की माने तो कल्चर ऑफ अ कंट्री, के किसी भी देश का जो कल्चर होता है वो इज इन्फ्लुएंस्ड, उसे प्रभावित किया जाता है बाई इट्स जियोग्राफी, उसकी जियोग्राफी भौगोलिक स्थिति के द्वारा, एंड क्लाइमेट, और उसका जो क्लाइमेट होता है उससे वो प्रभावित होता है। पीपल ऑफ एवरी कंट्री कंसिडर देयर कल्चर बेस्ट एंड दे आर प्राउड ऑफ इट। ये भी बात सही है। पीपल ऑफ एवरी कंट्री, कोई भी व्यक्ति किसी भी देश में अगर पैदा हुआ है तो वो व्यक्ति हमेशा अपनी कल्चर को, अपनी कंट्री को कंसिडर, शामिल करता है, कायमे के देयर कल्चर इज द बेस्ट कल्चर एंड दे आर प्राउड ऑफ इट। वो ये मानता है कि मेरा जो कल्चर है, मेरी जो संस्कृति है, वो दुनिया की सबसे बेहतरीन संस्कृति है और करना भी चाहिए, और वो ये भी मानता है कि मुझे इस पे गर्व होना चाहिए। तो जैसे मेरी संस्कृति बहुत अच्छी संस्कृति है, इस बात पर मुझे गर्व होना भी चाहिए। लेकिन एक बड़ी बात यहाँ आपको समझनी है, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी यहाँ आपको बताना चाहते हैं, मेरी संस्कृति, मेरा कल्चर बहुत अच्छी संस्कृति है, ये मुझे मानने का अधिकार है, मुझे इस पर गर्व करने का अधिकार है, लेकिन मेरी संस्कृति दुनिया की सबसे अच्छी संस्कृति है, थोड़ा इस पर सोचिए। जैसे ही आप ये कहना शुरू करते हैं, इसका मतलब आपने क्या कर दिया, आपने यह विरोध खड़ा करना शुरू कर दिया। मेरी संस्कृति बहुत अच्छी संस्कृति है, मुझे इस पर गर्व है, ये मानना बहुत अच्छी बात है, लेकिन दुनिया की सबसे अच्छी संस्कृति है, जैसे ही हम ये मानने लगते हैं, इसका मतलब हम और जितनी भी संस्कृति, कोई और कल्चर जो हमारे सामने आता है, हम उसे छोटा करते हैं। ये गलत बात है कि अगर मैं अपने आप को बड़ा करना चाहता हूँ तो मुझे दूसरे को छोटा करना पड़ता है। हाँ, अगर आपको ये मालूम है कि मैं किस तरीके से दी बेस्ट हूँ, केवल इसलिए नहीं कि मैं इंडिया में पैदा हुआ हूँ, इसीलिए केवल इस आधार पर ही मैं ये कहने लगूँ कि दी बेस्ट इन द वर्ल्ड, तो ये गलत है। आपको जो दी बेस्ट आपके अंदर है, ये आपको पता होना चाहिए, और दूसरी कोई भी जो संस्कृति है उसकी भी आपको बराबर मात्रा में कद्र करनी चाहिए। पीपल ऑफ एवरी कंट्री कंसिडर देयर कल्चर बेस्ट एंड दे आर प्राउड ऑफ इट। कल्चर मीन्स इनर ग्रोथ इन अ मैन। ये भी बहुत अच्छी बात है कि कल्चर का मतलब आंतरिक विकास होता है एक आदमी का। ही मस्ट नो हाउ टू बिहेव विद अदर्स। कल्चर का मतलब ये होता है कि ही मस्ट नो, उसे जानना चाहिए हाउ टू बिहेव विद अदर्स, कि हम दूसरों के साथ हमें कैसा व्यवहार करना है। ही शुड अंडरस्टैंड अदर्स। कल्चर का मतलब ये होता है कि मुझे दूसरों को समझना चाहिए। एंड मेक हिमसेल्फ अंडरस्टूड।
और अपने आप को समझदार बनाना चाहिए। तो कल्चर का ये भी मतलब होता है। जैसे अगर आप ये कहते हैं कि मेरी संस्कृति दी बेस्ट है, और अगर कोई दूसरी संस्कृति आती है और हम तुरंत ये कहते हैं कि तुम्हारी से मेरी अच्छी, इसका मतलब मैं कहाँ से कल्चर्ड पर्सन हूँ? क्योंकि मेरी संस्कृति ने जब मुझे ये ही नहीं सिखाया कि मुझे दूसरे की संस्कृति का भी सम्मान करना चाहिए, तो फिर मेरा कल्चर ही क्या है? तो इसलिए इस बात को आपको बहुत गहराई से सोचना चाहिए। इसके बाद चलिए यहाँ थोड़ा सा जो चैप्टर में क्या है उसको देखते हैं। देयर इज़ अ ग्रेट डील ऑफ कन्फ्यूजन इन माई माइंड एंड आई सेल स्टेट क्वाइट फ्रेंकली वॉट इट इज। देयर इज अ ग्रेट डील ऑफ कन्फ्यूजन इन माई माइंड। एक बड़े अर्थ में मेरे दिमाग में थोड़ी सी दुविधा है। कन्फ्यूजन मतलब दुविधा। एंड आई सेल स्टेट क्वाइट फ्रेंकली, स्टेट वर्णन करना, वर्ब में अगर आप देखते हैं तो इसका अर्थ वर्णन करना होता है। एंड आई सेल स्टेट, और मैं वर्णन करूँगा क्वाइट फ्रेंकली, बिल्कुल स्पष्टता से, वॉट इट इज, कि ये क्या है। तो उन्होंने ये कहा कि मेरे दिमाग में एक बड़ा कन्फ्यूजन है, और वो कन्फ्यूजन क्या है इसे मैं आपके साथ बड़ी विस्तृतता से इसकी चर्चा करूँगा। ऑल काइंड्स ऑफ बेसिक क्वेश्चंस क्रॉप अप। क्रॉप अप का मतलब होता है प्रकट होना। ऑल काइंड्स ऑफ बेसिक क्वेश्चन के सभी प्रकार के जो आधारभूत प्रश्न हैं क्रॉप अप, वो उठते हैं फ्रॉम व्हाट इज गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड, कि जो कुछ भी घटित हो रहा है दुनिया में अराउंड अस, हमारे चार को। तो पंडित नेहरू जी ये मानते हैं कि ये जो भी प्रश्न हैं वो मेरे अंदर इसलिए उठते हैं, मेरे अंदर वो इसलिए प्रकट होते हैं क्योंकि दुनिया में जो कुछ भी घटित हो रहा है। अब थोड़ा सोचिए कि ये जो बातें वो बहुत पुरानी बातें हैं, आज से लगभग 60-70 साल पुरानी बातें हैं, 80 साल भी मान सकते हैं आप, ये उस समय की बातें चल रही हैं, और तब की स्थिति में और आज की स्थिति में ज़्यादा कोई परिवर्तन नहीं आया। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आपके पास कैश कुछ ज़्यादा हो गया है, बाद बाकी अगर आप आदमी की सोच में देखें तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आया। आगे देखिए, नेशंस इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स। तो यहाँ वो बात कर रहे हैं सबकी तरीके से। आप मान सकते हैं कि अगर किसी राष्ट्र की बात है, किसी व्यक्ति विशेष की बात है, अगर आप किसी समुदाय की बात करते हैं, तो इन सभी की कहते हैं टॉक ऑफ अंडरस्टैंडिंग वन एनदर, कि ये टॉक बात करते हैं ऑफ अंडरस्टैंडिंग, समझदारी की, वन एनदर, एक दूसरे से। एंड इट सीम्स एन ऑबवियस थिंग दैट पीपल शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड वन एनदर, और ये स्पष्ट भी है कि लोगों को एक दूसरे को समझना भी चाहिए। एंड टू लर्न फ्रॉम वन एनदर, और एक दूसरे से सीखना भी चाहिए। येट फिर भी व्हेन आई लुक थ्रू द पेजेस ऑफ हिस्ट्री, फिर भी व्हेन आई लुक, जब मैं देखता हूँ थ्रू द पेजेस ऑफ हिस्ट्री, कि मैं इतिहास के पन्नों को देखता हूँ, यानी मैं पीछे जाने की जब मैं कोशिश करता हूँ, और स्टडी करेंट इवेंट्स या जो वर्तमान की घटनाएँ उनका अध्ययन करता हूँ, समटाइम्स फाइंड, कभी कभी प्राप्त करता हूँ या कभी कभी मुझे मिलता है कि दैट पीपल हु नो वन एनदर मोस्ट क्वेरल मोस्ट। ये भी बहुत अच्छी बात है कि पीपल, लोग हु नो वन एनदर मोस्ट, जो एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं, क्वेरल मोस्ट, वही झगड़ा भी ज़्यादा करते हैं। तो ये बात उन्हें, जब उन्होंने बहुत सारे लोगों को पढ़ा, बहुत सारी जगहों को घूमा, तो उन्हें ये समझ में भी आया कि जो लोग एक दूसरे को ज़्यादा जानते हैं, एक दूसरे के ज़्यादा नज़दीक होते हैं, वही लोग आपस में झगड़ा भी ज़्यादा करते हैं।